इधर रीवा में एक शॉपिंग मॉल के सामने सोमवार देर शाम विद्युत विभाग के एक जूनियर इंजीनियर पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। घटना में जूनियर इंजीनियर के सीने में गोली लगी, जिन्हें गंभीर हालत में संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें प्राइवेट अस्पताल मिनर्वा रेफर कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, घटना की जाँच शुरू कर दी गई। साथ ही आचार संहिता के चलते शहर में फ्लैग मार्च कर रहे 50 से ज्यादा सेना के जवान भी मौके पर पहुंचे। मामले में 3 संदेहियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। गोली लगने से घायल हुए दिनेश तिवारी विद्युत कंपनी में जूनियर इंजीनियर के पद पर पदस्थ हैं। रीवा स्थित बक्शेरा गांव के वो रहने वाले हैं।